हरदोई की शहर कोतवाली इलाके में एसडीएम के इकलौते बेटे मयंक हत्याकांड मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने सभी 5 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही सभी दोषियों के ऊपर 37,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये रही कि सजा के बाद दोषी पाए गए लोगों के समर्थकों ने दोषियों को जेल ले जाते वक्त जमकर जिंदाबाद के नारे लगाए। इतना ही नहीं, एक युवक को तो समर्थकों ने केक खिलाकर जेल रवाना किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि मंगलवार को ही कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज बुधवार को इस मामले में सजा का ऐलान किया गया। बता दें कि सुबह से ही कोर्ट के बाहर मामले को देखते हुए भारी सुरक्षा बल लगा दिए गए थे, क्योंकि ये मामला बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया था। वहीं पूरे मामले में 9 साल से सुनवाई हुई और तारीख पर तारीख का खेल चल रहा था, लेकिन आखिरकार कोर्ट और कानून ने अपना असर दिखाया और सभी 5 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अप्रैल 2013 की घटना है, इसमें भूमि विवाद को लेकर के मयंक शुक्ला की हत्या हुई थी और हत्या में जो नामजद अभियुक्त थे अशोक सिंह, प्रमोद सिंह, हरनाम सिंह, अरुणेश सिंह और मास्टर उर्फ सूरज सिंह थे। इन लोगों को कल जो है 2 दिन पे हुआ था, आज 5 लोगों पर आजीवन कारावास और 37,500 रुपये प्रत्येक पे जुर्माना किया गया है। किस अदालत ने सजा सुनाई? ये ADJ 11 श्री अबुल कैस जी की अदालत से सजा सुनाई गई है। कितना वक्त लगा इस मुकदमे में और कौन ये मयंक शुक्ला था, क्या पब्लिक? लगभग 9 वर्ष इसको सुनवाई में पूरा लगा है और मयंक शुक्ला एक SDM रहे हैं गैर जनपद में, रमेश चंद शुक्ला उनके पुत्र थे और ये गिप्सनगंज में कहीं इनका मकान है, वहाँ रहते हैं। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ रोड FCI के पास रहने वाले सत्येंद्र त्रिवेदी ने 8 अप्रैल 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उनके नौकर शक्ति दीन की जमीन गांव बहलोली के पास है। 8 अप्रैल की सुबह 9 बजे वो मजदूरों से वहां काम करवा रहे थे। उनके साथ सुरेश चंद्र शुक्ला, प्रशांत शुक्ला, अविनाश त्रिवेदी उर्फ सत्येंद्र, शादाब स्वर्णदीप शुक्ला उर्फ रोहित, मयंक शुक्ला और शुभम वाजपेयी भी थे। इस दौरान प्रमोद सिंह वहां आए, जिनसे जमीन को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद आरोपी मयंक शुक्ला को अपने चाचा और ताऊ से मिलवाने की बात कहकर बहलोली में मौजूद फ्लोर मिल लेकर गया, जहां मयंक के फ्लोर मिल गेट पर पहुंचते ही अशोक सिंह, हरिनाम सिंह उसे गाली देने लगे। शोरगुल सुनकर सत्येंद्र त्रिवेदी और शादाब मयंक की ओर दौड़े। जब तक वो लोग पहुंचे, हरिनाम सिंह ने अपनी राइफल से मयंक को गोली मार दी। फायरिंग में सत्येंद्र त्रिवेदी भी घायल हो गए। घटना के बाद सभी वहां से भाग गए। गोली की आवाज सुनकर वहां आसपास के लोग पहुंचे, जिन्होंने उन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मयंक को मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसकी लंबी जिरह के बाद अब दोषियों को आजीवन की सजा मिली है। पंजाब केसरी TV के लिए हरदोई से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।